No video. No video. Okay, sorry. अपना कर सकता हूँ ना अपने फेस को. Okay, this is the Pangong memory, right? Homestay. Okay. Assalamualaikum. कैसे हैं सब लोग? अल्लाह आप सबको सलामत रखें. This is your friend the Umar. कल रात को हम पहुँचे थे लेह और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा यहाँ तक. बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा. तो बारिश हुई थी पहले. अगर किसी ने पहला व्लॉग नहीं देखा है इस जर्नी का तो जल्दी से देखें. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. और आज का प्लान ये है कि हम लेह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे जो यहाँ के आसपास के एरिया हैं. ये था हमारा रूम. दो रूम हमने बुक किए थे. ऐसा ही दूसरा भी सेम है. बहुत ही अच्छा लगा. ओह चलो भाई साहब निकलते हैं. पहले लंच करेंगे. एक बज गए. मौसम है ना वो बहुत अच्छा है. बारिश नहीं होनी चाहिए. बारिश का डर है. अगर बारिश होगी तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी. तो पहले लंच करेंगे. चले भाई साहब खाना तो हो गया हमारा. अब थोड़ा सा घूमेंगे. थोड़ी सी अच्छी चीजें आपको दिखाएंगे. ठीक है लेट्स गो. दिस इज द मेन मार्केट ऑफ लेह. बहुत ही अच्छा मार्केट है और बहुत ही अच्छी चीजें देखने को मिलती है यहाँ से. ये है लेह का मेन मार्केट एंड इसके सामने ही है जामिया मस्जिद. बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है. दैट्स गुड थिंग. और इसके राइट साइड में वहाँ पीछे दैट इज़ पैलेस. जामिया मस्जिद यहाँ पे है और यहाँ से अगर हम रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सामने जो है लेह का मार्केट है. बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी है. अब हम इसके पीछे जो है लेह का पैलेस है वहाँ पे हम जाएंगे. लेट्स गो. रोड कहाँ है इसका पैलेस का? हाँ, यहाँ से था. यहाँ से ना यहाँ से भी जाते हैं. यहाँ से बैक साइड यहाँ से भी जाते. यहाँ से भी ना. ये वाला अच्छा. इजी कहाँ से? ये वाला अच्छा. ओके ओके थैंक यू. लेट्स ओ ये तो बहुत ही अच्छा है. दिस इज लालाज कैफे. तो यहाँ तक हम आ गए और ये जो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यही ऐसे ही पुराने ज़माने के घर दिखे. अरे वाह अरे वाह ये डिसमेंटल हुए हैं सब. तो मुझे लग रहा है इन्होंने ये वाले घर जो है ये डिसमेंटल किए हैं और यहाँ से इन्होंने फिर नए बनाए. यहाँ तक तो पहुँच गए हम. अभी मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊँ यहाँ से. अभी ऊपर चढ़ना बाकी है. थक गए? नहीं. चलो फिर बिस्मिल्लाह. दिस इज़ द एंट्री ऑफ दिस पैलेस. मेन गेट बिस्मिल्लाह. पूरा लकड़ी का बना है ऊपर से. ये देखें. चले ऊपर जाते हैं पहले. पता नहीं यहाँ पे क्या है. ये चीज़ें उस वक्त उन्होंने रखी होगी वेंटिलेशन के लिए. नहीं ये वाला इन्होंने नया लगाया इस पे. ओके यहाँ से हम अंदर चलते हैं यार. इन्होंने ये लाइट्स लगाई है यहाँ. ये तो ख़राब हो गई ये लकड़ी है ना. ये लकड़ी ख़राब हो गई है इसलिए वो नीचे बना रहे थे. नहीं यू कैन सी द व्यू हियर. बहुत ही खूबसूरत जगह. और मैं थक गया बताऊंगा अभी. हाँ नो वीडियो. ओके सॉरी. अपना कर सकता हूँ ना अपने फेस को. अपने फेस को करो. वो भी मना है. ओके थैंक यू. चले हमारा वीडियो तो हो गया ऑलमोस्ट. दिस इज 7th फ्लोर और उसके बाद 8th एंड 9th इज लास्ट देयर. तो उधर भी हम जाएंगे. अभी दिखाऊंगा थोड़ा सा. चले दिस इज 7th एंड दिस वन इज 8th. यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम रखा है लेवल 8th पे. ये हाँ यू कैन यूज दैट. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना पुराना और फिर मेंटेन रखना और मेंटेन के साथ साथ लेवल 8 पे इन्होंने वॉशरूम रखा है. दैट इज़ द गुड थिंग. मतलब मुझे लग रहा है शायद ये जो 8th फ्लोर है ना जिसका ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर के नीचे पहले ही बना के रखा है कुछ. तो उसके बाद इन्होंने नीचे से ही ऊपर तक वो प्रोसेस टॉयलेट का बनाया हुआ है. दुनिया है दुनिया में चीज़ें. ये सब चीज़ें दुनिया में देखने को मिलेंगी. ये सब क्या बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखने को मिलेगी. तो दिस इज द एग्जिट पॉइंट है. हाय ब्रदर क्या हाल इसका? एक तो दीवार को वजन कम पड़ता है. ओके इससे दीवार को वजन कम पड़ता है. एक दूसरा बर्फ बहुत गिरता है पानी यहाँ से गिरता है दीवार को बचाता है. पानी दीवार को खराब होने से बचाता है. ओके 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 थैंक यू. एक तो शो हो गया. थैंक यू. सो बाय बाय पैलेस. इस पैलेस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ये लकड़ी वगैरह तैयार करते हैं. बस अभी हम आगे और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम और सबसे इंटरेस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये जो यहाँ पे बन रहा है ना
आप गेस करें, दिस इज द सेम ऑफ दिस वे ऑफ वो मस्जिद और ये मार्केट, यहाँ से ये सेम बना रहे हैं। Where are you from? I'm from Korea. लास्ट डे इनका इधर इंडिया में और उसके बाद ये घर चले जाएंगे। तो मैं मेरी बना रहे हैं अपने लिए। Name is Mera. Okay. Last town in Pangong. Okay. Yesterday I came here. Okay, this is the Pangong memory, right? Yeah. Homestay. Okay. Is it complete now? No. How much time it will take? I don't know. You don't know. Just. So masjid is complete, right? No. Yeah, you had to write there Jamia Masjid. Yeah. And after that Minar. Yeah. Minar is complete, right? Yeah. Oh. That's a space. Sweets लेंगे कुछ बेहतर रहेगा। ये कितना है पैकेट? ये 380 का ले लो, 400 ज़्यादा है, 380 I think. 370 बोल रहे हैं अंकल। Let's see, move forward. 365 इनका फाइनल रेट है, इसका आर जो स्वीट होता है ना, मिठाई जो होती है, तो हम बाद में लेंगे फिर। कितना होगा इसका फाइनल बता देना, लेकिन हाँ 365 दिया फाइनल। जरा अभी इन्होंने पैकेट खोल दिया है एक भाई जान, वो जो आपने खोला ना पैकेट, ये इधर दे दो आप, क्योंकि आपने खोला तो कोई बात नहीं, हम लेंगे इसको। अरे नहीं, नुकसान थोड़ी किसी को कराएंगे हम। चलो ये हम लेंगे। ठीक है, खोल के देखेंगे हम दोनों पैक्स, बेहतर रहेगा। इसको कितना देना है? 370 380 देंगे, कोई इशू नहीं है। मिठाई के चक्कर में ना इन लोगों ने पूरा दिन ही ख़राब कर दिया। लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ पे मिलेगी बहुत कम प्राइस में। 350 फाइनल। हाँ, सेकंड कॉपी इसका आता है कोई? तो यहाँ से फर्क पता चले, मतलब ये वाला ओरिजिनल है क्या? डुप्लीकेट ओरिजिनल ये है, आर लिखा होता है ना। अच्छा, आर यू जो टूटता है वही ओरिजिनल है। ओके, नहीं नहीं नहीं, इसमें लिखा है एस, वो ओरिजिनल। तो पहचान हम कैसे करेंगे इस पे? पहले ये टूट जाता है ना, एस लिखा है। हाँ, पहले एस लिखा है और एस वाला डुप्लीकेट है, और जो टूटेगा वो भी डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल वन इज हमारा एक था ना खुल के पैकेट, वो भी ओरिजिनल है फिर। टोटल कितने पैकेट हमने उठाया? अब आपका हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। हाँ, 13 पैकेट उठाए। अब चले इसको पैक कर दो और निकलो। हमें होटल चेंज करना पड़ा। जब भी आप लेह आ जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे हर किसी किस्म के होटल मिलेंगे। तो हमने कल रात को एक होटल में स्टे किया था, अभी हमें ठीक लगा कि इस होटल में, तो हम इसलिए यहाँ पे आ गए। अब मैं रेस्ट करूँगा, बहुत घूम लिया। तो कल का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ फ्रॉम करगिल, फ्रॉम श्रीनगर टू करगिल। बहुत ही मुश्किल सफ़र था ये, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जल्दी से देखें। 4 बजे हम सो गए थे और अभी 8:30 बजे हम नींद से उठे, तो रेस्ट अच्छे से हो गया। अभी हमें थोड़ा सा काम है, हमें बाइक चाहिए एक रेंट पे, बिकॉज़ कल हमें पैंगोंग जाना है और उसके लिए हमें एक बाइक तो ज़रूरी है। 2 बाइक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब और एक बाइक चाहिए हमें। 80 रुपीज़ कितना? 80 रुपीज़ पाव टेस्ट करवा। 80 रुपीस पाव लेंगे तो लेंगे ही हम कंफर्म। कौन सा अच्छा है ये? थोड़ा सा दीजिए मुझे। बाइक तो लेंगे हम अभी, लेकिन पहले टेस्ट करेंगे एप्रिकॉट्स का। तो ये आ गई जी हमारी बाइक, यही है। ऐसे यहाँ पे तो बहुत सारी रेंटल बाइक्स मिलती है। इसको फोटो कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ। अब जल्दी से सो जाएंगे, बिकॉज सुबह हमें 6 बजे नींद से उठना है, उसके बाद हमें नोबरा वैली जाना है। तो बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं रेस्ट कर लूँ जल्दी से। आप अपना ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।